जो एसएचएम के लिए मैकेनिक्स आना बहुत जरूरी है, काम आएगा पूरा। हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ये सब क्या होते हैं। अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करती है तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो, इधर इधर ऐसे। पीरियोडिक मोशन वो होते हैं जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को, अपने पाथ को रिपीट करते हैं। सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करते हैं। किसी पीरियोडिक का ऑसिलेटरी होना या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है। पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, एक साइकिल के बाद वो रिपीट करेगा, टाइम पीरियड सेम है। ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है पीरियडिक ना हो, क्योंकि पहले साइकिल में ऑसिलेशन में टाइम कम लगे, दूसरे में ज्यादा लग सकता है अगर रिटार्डिंग फोर्स वगैरह हुए तो। तो ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो हम पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं, ए बॉडी रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जो पीरियडिक भी है। क्लियर? एसएचएम एक ऑसिलेटरी मोशन है, बस उसमें एक कंडीशन लग जाएगी, जो पीरियडिक मोशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो सबसे पहले एक एक लाइन तो लिख लो, लिखिए पीरियडिक मोशन। देखिए मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड पीरियडिक इफ बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ ब्रैकेट में लो और मोशन, नॉट ओनली पाथ, दरअसल मोशन पूरा रिपीट होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी भी, उसका पोजीशन भी, सब कुछ, ब्रैकेट क्लोज, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी रिपीट इट्स पाथ और मोशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब पीरियडिक मोशन है। हाँ बेटा, अब लिखिए ऑसिलेटरी मोशन। इसमें लिखो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी
with respect to a fixed point to and fro motion of a body with respect to a fixed point. It's called oscillatory motion. But जो हर oscillatory motion में एक restoring force होता है भाई आप सोचिए मैंने कहा to and fro motion एक fixed point से एक body दूर जा रही है तो वापस तो यार तभी आएगी ना जब उसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगा ऐसा नहीं है रीस्टोरिंग फोर्स एसएचएम में ही होता है एसएचएम में तो फोर्स की एक कंडीशन होती है वैसे रीस्टोरिंग फोर्स सभी ऑसिलेटरी मोशन में होगा लेकिन उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए या और कुछ हो सकता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ना हो एक्स स्क्वायर हो साइन एक्स हो कुछ और हो तो ऑसिलेटरी मोशन या कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है बॉडी इधर गई कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लगा इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हर ऑसिलेटरी मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग तो एसएचएम है वो तो बेस्ट एग्जांपल है और कोई एग्जांपल दो जो एसएचएम ना हो लेकिन ऑसिलेटरी मोशन हो भैया वो ऑसिलेटरी कहां है टू एंड फ्रो ऐसे थोड़ी ना अर्थ ऐसे 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 थोड़ी ना होती है सन के चारों तरफ मैंने कहा ऑसिलेटरी मोशन हो लेकिन एसएचएम ना हो ये प्लेनेटरी मोशन वगैरह पीरियडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है एक बाउल के अंदर एक पार्टिकल छोड़ दो वो नीचे आएगा इधर जाएगा इधर जाएगा ठीक है मैंने आपसे अभी कहा एक कांस्टेंट फोर्स भी लग सकता है तो देखो हम एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं बस इसका ये कर्वेचर इफेक्ट थोड़ा नेगलेक्ट करना पड़ेगा यहां से यहां तक स्लोप कांस्टेंट है मान लो तो ये बॉडी यहां से रिलीज की तो यहां से यहां तक इस पर कांस्टेंट फोर्स लगेगा ना अब अगर मैं ये कर्वेचर बहुत नेगलेक्ट कर दूं मामूली सा तो बॉडी वापस यहां जाएगी तो यहां से यहां तक फिर कांस्टेंट फोर्स लगेगा लेकिन वो रिटार्डिंग होगा तो ये एक्सेलरेट करवाएगा ये रिटार्ड करवाएगा फिर नीचे आएगा एक्सेलरेट होगा फिर ऊपर जाएगा रिटार्ड होगा ये एसएचएम नहीं है क्योंकि एसएचएम में कभी यहां से यहां तक ऐसे फोर्स कांस्टेंट नहीं होता समझ रहे बेटा तो बन सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जिनमें एसएचएम की कंडीशन ना हो उनमें भी रीस्टोरिंग फोर्स होता है अब हम स्टार्ट करते हैं लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन और एसएचएम लिखिए इफ ए बॉडी ऑसिलेट्स विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट सच दैट विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट सच दैट रीस्टोरिंग फोर्स ऑन दिस बॉडी Restoring force on this body, restoring force or acceleration, कुछ भी बोल सकते हैं, is directly proportional to its displacement.
इस सेंटेंस में एक गलती है, या कह लीजिए इनकम्प्लीट है, बताइए क्या है। अबाउट तो मैंने पहले लिखवा दिया, विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसा चम कहां से होगा बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम होता है। याद रखिए, हम लोग जो काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं वो चेंज इन पोजीशन होता है, ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एक्चुअली ये इसका मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, मैं सही बताऊं तो, लेकिन लिखते इसी तरह डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डिस्प्लेसमेंट लिखा है, लेकिन अभी अधूरा है। लिखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये तो बुक की लैंग्वेज होगी। अब ब्रैकेट में लिख लो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो बच्चों ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अगर वो वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर मान लो बॉडी यहां से चल रही है और यहां पहुंची, तो हम x ये वाला नहीं लेते, x हमेशा ये वाला लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, ऐसे बोलना चाहिए। खैर, छोटी छोटी गलतियों को बचा लेते हुए क्वेश्चन बन जाता है। f इज प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी k, डायग्राम बना रहा हूं, ये मीन पोजीशन है। अगर बॉडी यहां पर है तो हम x ये वाला लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर वाला पॉजिटिव हो गया तो फोर्स नेगेटिव आएगा, माइनस है ना। अगर बॉडी इधर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस। तो वी शुड से डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द पोजिशन वेक्टर और अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम और मीन पोजिशन। बार बार ये फ्रॉम आपसे कहलवाऊंगा, वरना वो डिस्प्लेसमेंट वो वाला डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, थोड़े दिन में भूल जाएंगे हम। बच्चों के क्या होता है, नाम तो मैंने बता दिया, वैल्यू क्या होती है? यार ऐसा नहीं कभी नहीं बताओ, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, या स्प्रिंग कहां से आ गई? के फोर्स कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर। एम बॉडी का मास है, फोर्स कांस्टेंट नाम लिख रहा हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बेटा, वो स्प्रिंग में आएगा। और ओमेगा इज कॉल्ड नॉट एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसकी रेडियन वही, जिसकी यूनिट वही सेम होती है रेडियन पर सेकेंड। और यहां पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहलाएगा, उसका ओमेगा से जो रिलेशन होगा वो होगा 2πf, और टाइम पीरियड से रिलेशन होगा 2π/T। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यहां पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना हो ये पॉसिबल नहीं है, SHM में होती है। एंड टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा, और एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएंगे वो फ्रीक्वेंसी। लिखो
ओके बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसको सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये टाइम पीरियड नाम लिखना चाहो तो। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब कुछ टर्म्स रिलेटेड टू SHM, जैसे फ्रीक्वेंसी बता दी, टाइम पीरियड बता दिया। एक होता है एम्पलीट्यूड। बच्चों अगर हम एक बॉडी को, ये मीन पोजीशन है बेटा, मीन पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम, यहां पर बॉडी पर जो फोर्स है वो जीरो है, तो अगर आप इक्विलिब्रियम पर बॉडी को रखकर जस्ट छोड़ देंगे तो वो वहीं रखी रहेगी। तो हमें यहां पर क्या करना है, बॉडी को प्रोजेक्ट करना है। मैंने बॉडी को इक्विलिब्रियम पर रखा और उसे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, कोई वेलोसिटी दे दी। हम जानते हैं फोर्स तो हमेशा इधर लगता है, और वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, इसलिए ये रिटार्ड होगा। रिटार्ड होता 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 कभी ना कभी इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो बेटा इक्विलिब्रियम से वो डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्योंकि यहां पर आकर वो रुक गया। सिर्फ इंस्टेंटेनियस रुका है, रुका रहेगा नहीं, क्योंकि फोर्स इसे खींच लेगा, वापस आएगा, फोर्स खींच रहा है। तो जब यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड उतनी ही हो जाएगी जितनी स्पीड से हमने इसे प्रोजेक्ट किया था, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब ये इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके इधर निकल जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन फिर अपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हां, लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट रहेगी। वेलोसिटी कम होती 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 यहां पर वापस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये डिस्टेंस इज अगेन एम्पलीट्यूड। चूंकि बेटा फोर्स का नेचर बिल्कुल सेम है, जितना जैसा इधर था वैसा इधर है, इसलिए ये कंफर्म है एम्पलीट्यूड दोनों साइड सेम आएगा, क्योंकि सब कुछ सिमेट्री से बोल सकते हैं। यहां पर रुकेगा नहीं, वापस यहां आएगा। अब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। मीन पोजीशन से मीन पोजीशन एक ऑसिलेशन नहीं होता, एक ऑसिलेशन बॉडी का तब होता है जब वो अपनी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों रिपीट करता है। याद रखिए, यहां से जाकर वापस यहां आया था तो इसकी पोजीशन तो रिपीट हो गई, लेकिन वेलोसिटी अभी अपोजिट है, लेकिन यहां जाकर जब वापस यहां आ जाएगा तब इसकी वेलोसिटी भी सेम होगी। जब बॉडी सेम वेलोसिटी और सेम पोजीशन जब गेन एक्वायर कर लेता है तो वो वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है, और एक टाइम पीरियड होता है। एक आपके लिए इंस्ट्रक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज मत करना। वो आदत है, कभी कभी जब कुछ भी नहीं होता तो हम वो कर देते हैं जो हमें आता है, चाहे वो वहां पर सही हो या नहीं, क्योंकि यहां फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक है, कि एक बॉडी है उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, एक बॉडी का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो हम इस कैपिटल टी को चार पार्ट में तो डिवाइड कर सकते हैं इजिली, क्योंकि हम जानते हैं यहां से यहां जाने में रिटार्डेशन होता है और वापस आने में एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इतना तो सिमेट्री से बोल सकते हैं, हर इंस्टेंट पर जाते वक्त और आते वक्त स्पीड सेम होगी। तो वी कैन से जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में, सिमेट्री के बेसिस पर बोला है, अभी कैलकुलेट नहीं किया। फिर जितना टाइम यहां जाने में लगा उतना टाइम यहां जाने में लगेगा, उतना टाइम वापस आने में लगेगा। तो हम एक मोशन को, एक ऑसिलेशन को चार पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यहां से यहां जाने में T/4 टाइम लगा, वापस आने में T/4 लगा, फिर T/4 और फिर T/4। इसलिए बेटा पूरे चैप्टर में हम, है ना, पूरे SHM को कंप्लीट तो डिस्कस करेंगे ही नहीं, बहुत कम, हर क्वेश्चन में हम इसके 1/4 को ही ज्यादा डिस्कस करेंगे, ज्यादा, क्योंकि उसके बाद रिपीट होता है। लेकिन अब जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना बच्चों, बॉडी को x=0 से a तक जाने में T/4 टाइम लगा, लेकिन 0 से a/2 तक जाने में T/4 का आधा टाइम नहीं लगेगा। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़ी ना जा रहा है कि डिस्टेंस आधा किया तो टाइम भी आधा कर दिया। हम जानते हैं पहले स्पीड इसकी ज्यादा होती है, बाद में धीरे धीरे कम होती है। तो फर्स्ट हाफ 0 से a/2 तक जाने में टाइम कम लगेगा, और a/2 से a तक जाने में टाइम, अभी वैल्यू नहीं बता पाऊंगा मैं जब तक इसे सॉल्व नहीं करता, लेकिन इतना तो हम अपने एप्टीट्यूड से बोल सकते हैं कि पहले वाला टाइम T/8 से कम होगा और दूसरा वाला ज्यादा,
ओरिजिनल आंसर है टी बाई 12 एंड टी बाई 6। और ऐसे वो और भी टाइम पूछ सकता है, इसलिए हमको को रटना नहीं है, ये बहुत कॉमन वैल्यू है इसलिए याद है। तो अब बच्चों इसका सॉल्व करने का टाइम आ गया है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब बता दिया, अब इसके सॉल्व करने का टाइम है। जैसे अच्छा हाँ, अगर हम फोर्स का ग्राफ बनाए तो ये तो हम बता ही सकते हैं इजिली, वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी, नेगेटिव स्लोप और नो इंटरसेप्ट, ये आएगा। क्योंकि अगर हम एक्स इज इक्वल टू जीरो यहां मान लें तो इसका स्लोप माइनस के आएगा, स्लोप आएगा माइनस के। अब बारी आती है इसके एक्सेलरेशन निकालने की। बेटा एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है, फोर्स कितना था माइनस के एक्स और के एम ओमेगा स्क्वायर था तो एम कट गया, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जिस तरह का ग्राफ फोर्स का आया उसी तरह का ग्राफ इसका आएगा, और इसका जो स्लोप आएगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा कांस्टेंट होता है, टेंशन मत लेना, एक गिवन एसएचएम के लिए, एसएचएम चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। बच्चों हम जानते हैं एक्सेलरेशन वी डीवी बाय डीएक्स होता है, थोड़ी देर काइनेमेटिक्स है बस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स आएगा और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ओमेगा कांस्टेंट था इसलिए बाहर ले लिया। बच्चों हम लोग काइनेमेटिक्स खूब पढ़ चुके, बिना लिमिट के कोई काम नहीं होता अपने यहां, वरना एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम लिमिट क्या पुट करें, एक ऐसी चीज है जो हमें पता है। बेटा अगर हमने एक्स को जीरो पुट कर दिया तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पर अभी वेलोसिटी नहीं पता। तो एक चीज पता है वो पुट करो, एक्स को ए लो और वी को जीरो, क्योंकि हमें पता है जब एक्स इज इक्वल टू ए होगा तो वी इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हमें पता है। और अपर लिमिट तो अननोन लेनी ही लेनी है, वो एक्स है और ये वी है, तो बेटा ये आएगा वी स्क्वायर बाई टू और ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू, वो समझ में आ गया होगा, इतनी कैलकुलेशन हम सब जानते हैं। और फाइनली इसे सॉल्व करने पर आएगा वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और यहां पर प्लस माइनस भी लगा दो, स्क्वायर रूट लोगे तो दोनों आएगा। बच्चों ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी आ गई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैंने नहीं लिखा। बच्चों एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम पर तो जीरो होता ही है, एक्सट्रीम्स पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ओमेगा स्क्वायर ए आएगा। मतलब ये फार्मूला बेस्ड है ना, इसे थोड़ा सा मैं फटाफट लिख रहा हूं इसे। और बेटा इसी तरह मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी पहले तो ये बताओ, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ए ओमेगा प्लस माइनस, और अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ओनली ए ओमेगा। यहां तक आप कॉपी करें फिर आगे चलेंगे।
ये जो इक्वेशन लिखा है हमने वी का, इसकी शेप क्या है? मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं वी और एक्स में तो ये क्या आएगा? अभी डायरेक्ट तो ये नहीं दिखता, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको स्क्वायर करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम इसे ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ और ए स्क्वायर से फिर डिवाइड कर दो, तो अल्टीमेट ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। बच्चों अगर ओमेगा वन के इक्वल नहीं है तो ये ग्राफ इलिप्स आएगा। अभी बताओ इलिप्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तो पता होगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इलिप्स में अगर ए और बी इक्वल हो जाएं तो वो सर्कल बन जाता है। तो अगर ओमेगा वन है, अगर ओमेगा वन है तो ये सर्कल बन जाएगा। तो बच्चों दो ग्राफ बना रहा हूं, एक तो ऐसा ग्राफ आएगा एक्स और वी में इलिप्स नॉट इक्वल टू वन, और एक बिल्कुल सर्कल आएगा अगर ओमेगा वन हुआ तो। यहां से यहां तक ये ए होगा, ये माइनस ए होगा, ये प्लस ए ओमेगा होगा और ये माइनस ए ओमेगा। बना लीजिए, अब बारी आती है पोजीशन और टाइम का रिलेशन, जिसे हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी बोल देते हैं। अब यहीं तक कॉपी करना और फिर रुक जाना, इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं। बेटा वी होता है डीएक्स बाय डीटी, अभी साथ में कॉपी मत करना, इसे इंटीग्रेट करने के लिए एक्स को मुझे इधर लाना पड़ेगा और टी को इधर ले जाकर और इंटीग्रेट करूंगा। यहां पर मुझे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं पता जो मैं इसकी लोअर लिमिट में पुट कर सकूं, क्योंकि दिया नहीं है ना कि टी इज इक्वल टू जीरो पर बॉडी कहां पर है। मैंने आपको जो समझाया था वो मैंने खुद ने अज्यूम किया था कि इक्विलिब्रियम से चलना शुरू कर रहा है, हो सकता है किसी बॉडी को हम पॉजिटिव एक्सट्रीम पर छोड़े और वहां से वो चलना शुरू करे, तो हमें इनिशियल पोजीशन नहीं पता तो उसको फिर हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं टी इज इक्वल टू जीरो पर इसकी पोजीशन है एक्स नॉट, और टाइम टी पर तो एक्स लेना ही है। बच्चों इसका इंटीग्रेशन अभी आपको याद ही करना पड़ेगा, हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीजें हम पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है, लेकिन मैं इसको आराम से सॉल्व करके दिखा सकता हूं। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अज्यूम करूंगा, उससे ये सॉल्व हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन फिलहाल बेसिक मैथ्स का टाइम नहीं है।
इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा, लिमिट मैंने पुट कर दी एक्स नॉट से एक्स, और इधर तो ओमेगा टी आ ही जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट करो तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करो साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए आएगा। बच्चों यहां पर हम इस वैल्यू को, ये एक एंगल ही तो है, साइन इनवर्स तो एंगल होता है ना, इसको फाई लिख रहे हैं और इसका नाम होता है इनिशियल फेज एंगल, है ना। एक सिंबल दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू फाई, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज एंगल। तो बच्चों अगर यहां पर फाई पुट कर दो तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा, तो फाई को उधर ले गए, साइन को इनवर्स फंक्शन खत्म करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा फाई डिपेंड किस पर करेगा? इनिशियल पोजीशन पर। तो फाई इनिशियल फेज एंगल है जो इनिशियल पोजीशन को बताता है, इसलिए फाई की वैल्यू या तो क्वेश्चन में देगा और नहीं दे तो भैया हम जीरो मान लेंगे और क्या करेंगे इसी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में फाई ना दे और आपको जरूरत पड़े तो आप उसे जीरो ले सकते हैं। बाकी ये इक्वेशन आपके सामने आ गया, अब इसका ग्राफ जो मैं बनाऊंगा वो मैं तभी बना सकता हूं जब मुझे फाई पता हो, क्योंकि फाई अगर जीरो हुआ तो ये साइन करवाएगा, लेकिन अगर फाई की वैल्यू पाई बाई टू हो गई तो साइन कॉस कर बन जाएगा, और अगर पाई हो गई तो माइनस साइन कर बन जाएगा। इसलिए शेप हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम फाई की वैल्यू ना दे दे। चलो एक दो वैल्यू ले लेते हैं। अगर फाई जीरो हुआ तो बेटा इक्वेशन आएगा ए साइन ओमेगा टी, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अज्यूम कर लेना अगर वो नहीं दे। बेटा इस कंडीशन में साइन कर तो हम सब जानते होंगे साइन हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहता है फिर नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव रहता है, जीरो से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है और पाई से टू पाई तक साइन नेगेटिव होता है। तो बेटा इसका एक ऑसिलेशन बना रहा हूं इस तरह से आएगा, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा ऐसे। बच्चों यहां पर टी की वैल्यू पुट करनी है, मैंने एंगल बोला था जीरो से पाई और पाई से टू पाई, लेकिन यहां एंगल नहीं लेना यहां टी लेना है, तो हमें टाइम की वो वैल्यू लेनी है जिस पर ओमेगा टी पूरा का पूरा पाई बन जाए और टू पाई बन जाए। तो हम जानते ही यार, वैसे सिंपल बोल सकते हैं ये हाफ ऑसिलेशन हुआ है टी बाई टू आएगा, और यहां से वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया तो टी आएगा, और यहां टी बाई टू और यहां थ्री टी बाई फोर लिख सकते, गलत बोल गया, यहां टी बाई फोर और यहां थ्री टी बाई फोर लिख सकते हैं दूसरा वैल्यू। अगर फाई की वैल्यू हम पाई बाई टू ले लें बस, बाकी फिर आप खुद कर लेना, तो x इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो बेटा a cos ओमेगा t आएगा, और cos का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल साइन की तरह ही आएगा, बस शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि cos स्टार्ट कहां से होता है 1 से मैक्सिमम से, तो cos का ग्राफ मैक्सिमम से आएगा। आप इस एक्सिस को यहां पर शिफ्ट कर दो बस और रिपीट कर दो तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा बेटा लाइक दिस, यहां पर जाकर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा और बाकी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब कभी आपसे कोई पूछे यार डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओ तो रटा हुआ ये नहीं बनाना, हो सकता है पाई की फाई की उसने कोई वैल्यू दे रखी हो, नहीं दी हो तो ये बता देना, लेकिन दी हो सकता है बेटा जीरो और 90 के बीच में कुछ दे दे 60 डिग्री दे दे, तो ना जीरो से शुरू होगा ना मैक्सिमम से, फिर 60 डिग्री देगा तो कहां से शुरू होगा बताओ, मतलब फाई की वैल्यू अगर पाई बाई सिक्स हुई कैसे निकालोगे? अरे टी को जीरो पुट करो ना, टी इज इक्वल टू जीरो पर पोजीशन निकाल रहे हो तो टी को जीरो पुट करो और फाई को 60 डिग्री पुट करो, साइन 60 रूट थ्री बाई टू होता है, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? रूट थ्री बाई टू ए, ऐसे सब पता लग जाएगा, टेंशन मत लो। थोड़ी मैथमेटिक्स जरूर है इस चैप्टर में, लेकिन हम अच्छी वाली प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो परेशान नहीं करेगी।
हाँ बेटा, वैसे तो वेलोसिटी का इक्वेशन हम पोजीशन की टर्म्स में पहले निकाल चुके हैं, पर वेलोसिटी को एक बार टाइम की टर्म्स में और निकाल लेते हैं। तो हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये पुट कर दें, या सीधे सीधे इसको डिफ्रेंशिएट कर दें dx बाय dt। फिलहाल तो डिफ्रेंशिएशन ही मुझे ठीक लग रहा है। तो ये आएगा बेटा a ओमेगा साइन का कॉस ओमेगा डी प्लस फाइव। बस ये बात ध्यान रखना, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस ये शो करता है कि जहां पर पोजीशन जीरो होगा वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जहां पर पोजीशन मैक्सिमम होगा वहां वेलोसिटी जीरो होगा। ये पाई बाई टू का मतलब ये होता है, और यही चीजें अपने ट्वेल्थ में एसी वाले चैप्टर में सेम टू सेम चीजें यूज होती हैं, वेलोसिटी वो करंट और ईएमएफ के बीच में। तो अगर हम एक्स फाई को जीरो लेकर फिर वेलोसिटी का ग्राफ बनाए, तो आप देख लीजिए यहां पर फाई को जीरो लेने पर ये कॉस कर्व आएगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, और यहां पर ये वैल्यू ए ओमेगा होगी और ये वैल्यू माइनस ए ओमेगा, और यहां जाकर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा टी। लेकिन अगर हम फाई को पाई बाई टू लेकर ग्राफ बनाए, तो बेटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये ध्यान रखिए। नहीं आते तो फिर आपने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कॉस। तो अब ये ग्राफ साइन का नहीं माइनस साइन का आएगा, यानी कि नेगेटिव में पहले जाएगा और पॉजिटिव में बाद में जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। मतलब मेरा तो कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, आप इन ग्राफ्स को रटना मत कि यार वेलोसिटी का ऐसा होता है। बच्चे यहां तक रख लेते हैं, वो कॉस वेलोसिटी का होता है और साइन पोजीशन का होता है, आपको वो सब चीजें नहीं रखनी, ठीक है। चलिए ये दोनों ग्राफ और बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा फेज के बारे में। आज थोड़ा राइटिंग वर्क ज्यादा है, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अब मैं फेज को डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों अगर हम कहते हैं यार दो बॉडी SHM कर रहे हैं, दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, और वो दोनों सेम फेज में हैं, तो सेम फेज होने का मतलब क्या है? या ये कह लीजिए एक ही पार्टिकल दोबारा से उसी फेज में कब आएगा? तो बेटा सेम फेज का मीनिंग होता है सेम पोजीशन एंड सेम वेलोसिटी। अगर दो पार्टिकल सेम पोजीशन पर हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो दोनों सेम फेज में हैं, क्योंकि सेम पोजीशन पर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं यार दो पार्टिकल बिल्कुल टाइम पीरियड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन साथ साथ नहीं चल रहे, एक एक्सट्रीम पोजीशन पर है पॉजिटिव पर, और दूसरा जो है वो इक्विलिब्रियम पर है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनमें फेज डिफरेंस कितना होगा? ये हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इन इक्वेशन से भी, जो एक्स और वी का इक्वेशन है
या फिर एक फेजर डायग्राम होता है उससे भी। लेकिन फेजर डायग्राम पर जाने से पहले कुछ सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि यार जीरो से एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए तक जाने में टाइम टी लगता है टी बाई फोर, लेकिन जीरो से ए बाई टू तक जाने में टी बाई फोर का आधा नहीं लगता। वो हम सिंपल इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे बॉडी अगर इक्विलिब्रियम से चलना शुरू कर रही है तो हमें पता है फाइ जीरो आएगा और एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी होगा। तो ये तो हम डिसाइड कर चुके जीरो से चलना शुरू कर रहा है। अब हमें पहुंचना कहां है ए बाई टू पर, तो एक्स को ए बाई टू लिख दो बेटा, ये कट जाएगा। साइन थीटा अगर हाफ आ रहा है तो इसका मतलब थीटा 60 डिग्री होगा, 30 पाई बाई सिक्स। ओमेगा खुद कितना होता है 2 पाई बाई टी, इसको पाई बाई सिक्स के इक्वल करेंगे तो टी आएगा टी बाई ट्वेल्व। आपको याद होगा मैंने टी बाई ट्वेल्व बोला था। अब अगर आपको ए बाई टू से ए तक जाने का टाइम निकालना है तो या तो टी बाई फोर में से टी बाई ट्वेल्व को सब्ट्रैक्ट कर दो तो टी बाई सिक्स आ जाएगा। लेकिन अगर हमें इक्वेशन से निकालना है तो हम क्या करेंगे, या चलिए मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके देता हूं। एक बॉडी टी इज इक्वल टू जीरो पर, एक बॉडी एस एच एम कर रही है और हम टी इज इक्वल टू जीरो पर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं जब वो एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सुन रहे हैं आप? तो इसका फाई कितना आएगा ये बताओ। मेरा क्वेश्चन है एक बॉडी एस एच एम कर रहा है और हम उसको टी इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जर्व करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पर, और उस समय वो बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका फाई कैसे निकालेंगे? पहले बता कितना, पाई बाई सिक्स आएगा। तो देखो हमने आपको बताया था जो फाई होता है वो साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए होता है, याद है? यहां पर इनिशियल पोजीशन मैंने ए बाई टू दिया है, तो अगर एक्स नॉट को ए बाई टू पुट करूंगा तो साइन इनवर्स हाफ आएगा और साइन इनवर्स हाफ जो होता है वो पाई बाय सिक्स होगा। लेकिन बेटा एक मुश्किल है, अगर मैं आपसे कहता कि बॉडी एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पर है टी इज इक्वल टू जीरो पर लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस कैलकुलेशन से आंसर हमारा फिर से पाई बाई सिक्स ही आता, क्योंकि एक्स नॉट तो मैं ए बाई टू ही पुट करूंगा ना, और कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन आंसर पाई बाई सिक्स नहीं है। तो बच्चा सही बात यह है साइन इनवर्स वन बाय टू सिर्फ पाई बाय सिक्स ही थोड़ी ना होता है, फाइव पाई बाय सिक्स भी होता है। साइन थर्टी भी प्लस वन बाई टू होता है और साइन वन फिफ्टी भी प्लस वन बाई टू ही होता है। तो साइन इनवर्स हाफ जब हमने पाई बाय सिक्स लिखा था तो हमें टोकना चाहिए था कि सर केवल पाई बाई सिक्स नहीं होता, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू फाइव पाई बाई सिक्स भी होते हैं। पाई बाई टू ऐड करने पर नहीं आएगा बेटा, आपने जो बोला था वो गलत था, 90 डिग्री ऐड करने पर नहीं आएगा, ये पाई माइनस पाई बाई सिक्स आएगा। वो तो फिलहाल आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी किस दूसरे किस एंगल पर साइन की वैल्यू हाफ आती है। तो बच्चों ये वो वाली वैल्यू है जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, और ये फाई की वैल्यू तब आएगी जब वो एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा था। क्लियर? फिर पूछूंगा कैसे पता लगा कि ये वाला पहला वाला आंसर है ये उल्टा है, दूसरा है उल्टा भी दूसरा था, ये वाला पहला आंसर और ये दूसरा हो। भाई एक तो सीधा बोल दो सर
पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव में बाद में आएगा, तो पहले वाला फेज एंगल कम होगा और दूसरा वाला फेज एंगल ज्यादा होगा, पर ये स्मार्ट आंसर नहीं होगा, काम चलाऊ बोल सकता हूं मैं इसे बेटा, ये पता लगेगा करेक्ट वी से। आप इसको लो भैया, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस फाई, टी तो जीरो ही पुट करना है ना। अब अगर आप इसमें पाई बाई सिक्स लिखोगे तो कॉस पाई बाई सिक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पता लगेगा वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था उस समय वो पाई बाई सिक्स आएगा। लेकिन बेटा अगर 5 पाई बाई सिक्स रखते हो, 5 पाई बाई सिक्स होता है 150 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि इस वैल्यू को यहां पुट करने पर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, तो मैंने कहा ना ए बाई टू से अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो आंसर कितना आएगा 5 पाई बाई सिक्स। तो बेटा ऐसे पता लगती है इसलिए। तो बच्चों इस तरह से एक फेजर बताऊंगा, उससे बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन यार अगर मैं डायरेक्ट फेजर पर ले जाऊंगा ना तो फिर ये चीजें आप नहीं समझ पाओगे, फिर पता लगा कहीं परेशान कर दिया इसने, तो इस तरह से एंगल निकालते हैं। दो बॉडी सेम एम्पलीट्यूड और सेम टाइम पीरियड से एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन एक बॉडी a बाई टू पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, उसी समय दूसरी बॉडी a बाई टू से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, यानी यही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? अब तो आंसर अब तुम्हारे सामने है ना, ये डिफरेंस इन दोनों का, एक a बाई टू से पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब उसका फेज पाई बाई सिक्स है, दूसरा a बाई टू से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब उसका फेज एंगल 5 पाई बाई सिक्स है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 2 पाई बाई थ्री, सही है ना? yes, 2 पाई बाई थ्री 120 डिग्री आएगा। एक बॉडी एक बॉडी का ये इक्वेशन दे दिया एसएचएम का, पहला क्वेश्चन मानकर चलो आपके लिए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस पाई टी, टाइम पीरियड तो निकल ही रहा है, कितना आ रहा है टाइम पीरियड, कितना है इसका, सब नहीं बोल रहे ना इसलिए बार बार बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं इसका टाइम पीरियड कितना है, आवाज नहीं आ रही, अभी भी मजा नहीं आया, आपका क्वेश्चन है थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड में ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा मैं, एक ही टर्म्स में आंसर देना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 3.5 सेकंड्स,
देखो बेटा, टाइम पीरियड 2 सेकंड है, यानी कि 4 सेकंड में ये 2 ऑसिलेशन कर लेगा। या ऐसे बोलो यार सिंपल, अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो आधे सेकंड में ए चलेगा, क्योंकि हाफ सेकंड में T/4 टाइम पीरियड होता है। तो बॉडी एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम पर आ जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये बॉडी चलना शुरू कहां से करेगी, ये बॉडी चलना शुरू करेगी एक्सट्रीम से, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स इज इक्वल टू ए आ रहा है, कॉस 0 1 होता है ना। तो ये बॉडी एक्सट्रीम से आधे सेकंड में इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगी, फिर आधे सेकंड में इक्विलिब्रियम से नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंचेगी, ऐसे आधे आधे सेकंड का डिस्टेंस एड करते चले जाओ। तो हर आधे सेकंड में ए चल रहा है तो 3.5 सेकंड में कितना चलेगा, 7 ए। क्लियर हुई ये बात? मुझे डाउट हो तो पूछ लेना, वरना मुझे तो आप बोल दोगे यस सर तो मैं आगे चलूंगा ना अगले क्वेश्चन में। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, हालांकि ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सियल है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 0.2 सेकेंड्स, तो एक आंसर आता है जैसा कि बहुत सारी बुक्स में एक्स को डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं, जबकि मैं आपको बता चुका हूं ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये पोजीशन होता है। बस वो कंट्रोवर्सी क्या है मैं वही बता रहा हूं। अगर वो आपसे पूछता है यार 0.2 सेकंड में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एक तो हम इसमें 0.2 पुट कर दें, 0.2 यानी कि π/5, 1/5, तो ये π/5 आ गया। चलो अभी सॉल्व मत करो, रहने दो, ये 0.25 ले लेता हूं, 0.25 सेकंड ले लेता हूं मैं, तो π/4 हो जाएगा, a/√2 आ जाएगा। क्या ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है या बॉडी की पोजीशन है? हम तो अच्छे से जानते हैं ये पोजीशन है, लेकिन मैंने पूछा था बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो ये आंसर सही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होगा ये कहां से चलना शुरू किया और कहां पहुंचा, यानी कि चेंज इन पोजीशन। तो ए से a/√2 पर पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा a-a/√2। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा और जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो तो ये है a-a/√2। लेकिन बच्चों कुछ जगह हो सकता है इसका आंसर केवल a/√2 ही हो, इस चीज में मैं हेल्पलेस हूं। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यार एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है कि जिसने वो क्वेश्चन बनाया है वो क्या सोचता है। समझ रहे हैं ना, ये एक दो चीजें थोड़ा सा परेशान करेंगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर मैं इतना सा बोल सकता हूं, बस एक छोटा सा कमेंट, लेवल ऑफ एग्जाम देख लो क्या है, नहीं समझे, लेवल ऑफ एग्जाम क्या है। अब यहां पर भी मैं कमेंट नहीं करूंगा कि कौन से एग्जाम का क्या लेवल है ना, लेकिन ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पूछा है तो मेरे हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहिए, या फिर वो पूछता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम तो a/√2 आता, वरना a-a/√2 आएगा। चलो एक ये वाली बात क्लियर हुई, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको बताते रहेंगे, तो बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज मैं यहीं छोड़ रहा हूं क्लास, ओके?